यहाँ पे मैम 1000 भी है, 5000 भी है और 10000 भी है। आप लेक व्यू में कब से ये काम कर रहे हैं बोटिंग का? मैम मैं तो स्टडी करता हूँ, मेरी बोर्ड से ठीक अच्छा, है और मैं पार्ट टाइम आता हूँ। बहुत अच्छे लोगों से रब्ता होता है यहाँ पे, ठीक है, उनसे कुछ हमें सबक हासिल होता है, ठीक है, और कुछ हमारी गलतियाँ दुरुस्त होती है उनसे। अमरीन अली और इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ। लेक व्यू पार्क एक सबसे खूबसूरत जगह लेक में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो बोट चलाते हैं वो भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि लेक व्यू में कैसा चल रहा है इनका काम, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स इनको मिलता है। सामने को भाई क्या नाम है आपका? आशिर नाम है। अच्छा आशिर, ये बताइएगा कि आप लेक व्यू में कब से ये काम कर रहे हैं बोटिंग का? मैम मैं तो स्टडी करता हूँ, मेरी बोट से और मैं पार्ट टाइम आता हूँ। अच्छा स्टडी करते हैं, और ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टडी भी करते हैं और पार्ट टाइम यहाँ पर काम भी करते हैं, तो क्यों करना पड़ता है स्टडी के साथ साथ? मैम बस बिजी रहने के लिए, हमें और कोई बिजी रहने के लिए करना पड़ता है, और कुछ लोगों की रोजगार के लिए मजबूरी होती है, लेकिन बिजी रहने के लिए इन्होंने एक मशगला अपना लिया है कि यहाँ पर ये बोटिंग करें। अच्छा लोग आते हैं आपको अप्रिशिएट करते होंगे? बहुत अच्छे लोगों से रब्ता होता है यहाँ पे, ठीक है, उनसे कुछ हमें सबक हासिल होता है, ठीक है, और कुछ हमारी गलतियाँ दुरुस्त होती हैं उनसे। अच्छा कितना पे लोग करते हैं बोट में? यहाँ पे मैम 1000 भी है, 5000 भी है और 10000 भी है। पूरे डैम के लोग बुकिंग पे भी जाते हैं। नौजवानों को क्या महसूस होंगे बिजी रहने के लिए, उन्हें इस तरह की सरगर्मियों में आना चाहिए? मैम पार्ट टाइम जो भी अच्छा काम है, ठीक है, वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पार्ट टाइम हमारा जो पीछे माहौल है वो ख़राब हुआ है, हमें तब यहाँ पे भेज देते हैं। बहुत अच्छा लगा आशिर से गुफ्तगू करके। आशिर बिजी रहने के लिए स्टडी के साथ साथ उन्होंने एक मशगला अपना लिया और बहुत ही मजे का, और कह रहे हैं कि नौजवानों को कि उनको भी चाहिए कि वो फ्री टाइम गुजारने के बजाय, वेस्ट टाइम करने की बजाय कोई ना कोई सरगर्मी लाजमी अपनाएं।